चेतौर का अधीश। तो आज टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट्स, पहला है ये टैरो, सेकंड इज दी सर्कल ओरैकल। ठीक है, और हम लेंगे एक लव ओरैकल भी, बीच में मेरी कैट भी आ सकती है रीडिंग में। आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरी कैट की वजह से है। ठीक है, सो लेट्स सी, चलो अभी हमें रीडिंग करनी है एंड हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स, तो शुरुआत करते हैं टैरो से। लेकिन उसके पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन। ठीक है भाई, हमें सही अंडरस्टैंडिंग मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले, एंड हर व्यक्ति के लिए अलग अलग सूचियाँ होती हैं। सो जो सूची आपको मैच होती है, जो इंट्यूशन आपके लिए सही होता है, जस्ट फॉलो इट। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलता है। एंड आज रात की उनकी दिल की बातों में हमें तो शुरुआत में ही कार्ड्स मिल चुके हैं। ओके लेट्स सी, चलो ये कार्ड लेते हैं, देखते हैं कितने कार्ड्स हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, चलो तो 7 कार्ड से हम रीडिंग करने वाले हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट एंड देखते हैं हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो जो पहला कार्ड हमें मिला है वो क्या है, एंड भाई ये है 5 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, अगर हम इस कार्ड को देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये पर्सन अभी जो अपना समय है अब वो बहुत ही शांति से बिताना चाहते हैं। एंड कुछ इस तरह से है कि भाई कि बीइंग इन देमसेल्व्स, ना किसी को रोकना है ना किसी को रोकना है। हाँ, भूतकाल की कुछ बातें इनको थोड़ी परेशान ज़रूर कर सकती है। ठीक, जैसे कि शायद पिछले हफ्ते क्या हुआ, 1 साल पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, अपने किसी फ्रेंड के बारे में भी सोच सकते हैं कि अभी वो फ्रेंड कहाँ पे है, उसके साथ क्या हो रहा है, यू नो लाइकवाइज। या फिर अगर अपनी लाइफ की भी बात कर रहे हैं कि उनके लाइफ में पिछले 5 साल में क्या क्या हुआ है, किसी को खोया है, या फिर यू नो कितने घर बदले हैं, जॉब्स का क्या हुआ है, तो ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो याद कर सकते हैं। ये उनका एक अपना मैटर है, आप अगर इसमें ना अटके तो ही सही होगा, बिकॉज हर व्यक्ति की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे कि यू नो कि कुछ लोग जो होते हैं, जब हम सोचने लगते हैं तो हम चाहते हैं कि भी कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। हाँ, जिस वक्त हमें लगता है कि अब हमें ये बात शेयर करनी चाहिए तो हम डेफिनेटली उस बात को शेयर करते हैं। आई होप कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे। ये था पहला कार्ड। सेकंड जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर मैं इस व्यक्ति को देखे तो उसका जो स्वभाव है, जो अंडरस्टैंडिंग है कि मैं बहुत ही प्रोडक्टिव हूँ एंड मैं सभी चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, यानी कि इस व्यक्ति में उतना पावर है, उतनी ताकत है कि चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, ये उस बात का इस बात को वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी बात भी हमें रुला देती है, या फिर अगर आपने देखा होगा, आई थिंक एक मूवी थी, मराठी मूवी, आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम, लेकिन उस मूवी में ऐसा था कि एक कैरेक्टर था, ठीक है, शादी से पहले वो कैरेक्टर, मतलब जो लड़की थी, वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो अपना हर डिसीजन खुद लेती थी एंड सब लोग उसकी तरफ फिदा थे। इनफैक्ट वो जो जिसने उससे शादी की, उसने उसे बहुत मनाया, फ्लर्ट किया, लाइक भी यू शुड मैरी मी लाइक वेज, तब जाके उसने शादी की। लेकिन शादी के बाद वो उसमें इतना खो गई कि उस लड़के को ही लगा कि भाई तुम बहुत ज़्यादा कर रही हो, वेर आर यू, एंड फिर वो बात डिवोर्स तक चली गई थी, ऐसा वो दिखाया गया था। बाद में फिर स्टोरी चेंज होती है लाइक वेज, कभी बाद में बताऊँगा, बट यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि वो शादी के बाद व्यक्ति बदल गई, ये पहली फेज है, ये व्यक्ति बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, एंड किसी भी बात को डाइजेस्ट कर सकती है, इसलिए वो अभी शायद नहीं चाहते कि आप उस बात को अंडरस्टैंड करें या फिर इंटरफेयर करें, शायद वो कुछ उनकी पर्सनल बात हो सकती है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है वो है 7 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इस कार्ड को देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग आती है यहाँ पे कि भाई इनके मन में जो उनकी अवस्थाएँ हैं वो ये है कि भाई उनको एक सुकून भरी ज़िंदगी जीनी है, यानी कुछ पल जो बस आँख के साथ बिताए एंड अपनी ऐसी ज़िंदगी चलती रहे। बीच में जब फ्रेंड्स आएंगे, थोड़ी सी पार्टी शार्टी होगी, तो ये कब होगा, जब उनके ज़िंदगी में सब कुछ सही होगा। इफ़ यू आर नॉट मैरिड तो ये प्रोग्राम कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। इफ़ यू आर राइट नाउ मैरिड तो ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे ज़िंदगी में ये मौका कब आएगा, यानी कि कुछ ऐसे पल घटे हैं शायद से पिछले कुछ सालों में, शायद 5 साल में नहीं तो एटलीस्ट 2-3 सालों में, कि वो चाहते हैं कि दोबारा ऐसा इंसिडेंट ना हो जिसके कारण जो मेरी ज़िंदगी है वो बहुत ही सुकून से बीत जाए। ठीक है,
नेक्स्ट हम भी देखते हैं ये कार्ड, एंड भाई ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सारे पेंटिकल्स ही आ रहे हैं, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, यानी कि भाई मिट्टी तत्व अर्थ साइन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रांग है, अपने अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। मतलब मे बी अगर आप मैरिड हो तो शायद आप ऐसे हो कि आप दोनों ही अपना अपना डिसीजन लेते हो, यानी कि इतनी भी आपको ज़रूरत नहीं रहती कि अगर आपके कंपनी ने आपको बताया कि नहीं भाई आपको टूर पर जाना है तो आप डायरेक्टली जाते हो, तो इतना ट्रस्ट है एंड पता है आपको कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आप दोनों सिंगल हैं तो ये पर्सन भाई यू नो अपना वजूद मेंटेन करे हुए, उनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, यू नो दैट इज़ द मेन थिंग। बस बात इतनी सी है कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट बनाए रखो, इसके ऊपर भरोसा रखो, इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं करना, इनके ऊपर डाउट नहीं करना, बिकॉज अगर आप डाउट करोगे तो ये पर्सन जो आपके प्रति उनका रिस्पेक्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगा, एंड फिर वो ऐसी कांच हो जाएगी कि कभी भी टूट सकती है, फिर रिश्ते को हानि पहुंचेगी। इससे अच्छा है कि आप दोनों ही डिस्टेंस मेंटेन करो जब उसकी ज़रूरत है। नीचे कार्ड हुए एस ऑफ वांड्स। अगर आप दोनों की बात करें तो ये जैसी ही बातें हो जाएंगी, शायद उसके लिए एक दो घंटे लग सकते हैं, या फिर इनफैक्ट अभी तक जब वीडियो रिलीज़ हो जाएगी मे बी उनका जो ये सोचना है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस समय में ये पर्सन आपको याद भी कर सकता है, फिर सडनली आपका कोई मैसेज इनको जा भी सकता है, देन द पर्सन वुड स्टार्ट कि भाई चलो हम आपसे बातचीत करते हैं। तो जब वो मन की किसी अवस्था में है, पहले उस अवस्था को पूरी होने दो, जैसे अवस्था पूरी हो गई देन द पर्सन, जैसे कि यू नो आप शहर में होते हो तो शहर में बहुत ही धीरे से गाड़ी चलानी पड़ती है, जैसे आप शहर से बाहर चले गए यू हैव अ फ्री रोड, है ना, तो वो बात हमें यहाँ पर समझने को मिलती है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स, कैसे स्कॉर्पियो पाइसेस। यहाँ पे इमोशंस आते हैं एंड फिर मे बी आपका ही कोई इमोशन वो लेके बैठ सकते हैं, शायद आप भी अपनी बात उनको बता सकते हैं कि भाई आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ एंड लाइक वाइज, या फिर आप दोनों मिलके एक दूसरे के इमोशंस एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सारे टॉरस और कैप्रिकॉर्न वाले ही यहाँ पे आ जाए हैं, कि राशियाँ आ गई हैं ये पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग आती है कि भाई कई बार क्या होता है ना कि सडनली हम कहते हैं कि भाई अगर हम इस चीज़ को देखें तो पेज ऑफ पेंटिकल्स में क्या आता है कि ये पर्सन कह रहा है कि अब हमें दोनों को प्रिपरेशन करनी चाहिए कि किस तरह से हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, या फिर अगर हम कोई बड़ा डिसीजन ले रहे तो उससे पहले थोड़ी सी बातचीत करें, ठीक है। तो मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है। अब किस किस को ये जो कनेक्शन है वो महसूस होगा, अगर ये जो सभी राशियाँ जिनका मैंने नाम लिया, अगर ये आपके असेंडेंट यानी कि लग्न स्थान में है, ठीक है, या फिर आपके चंद्र स्थान या जहाँ पे आपका चांद होता है, यहाँ पे जहाँ का सूर्य होता है, यानी कि आपकी कहते हैं ना सन साइन, मून साइन या फिर असेंडेंट, इन तीनों में से अगर कहीं पर भी आपको ये दिखा तो यू कैन जस्ट हैव मोर इम्पैक्ट ऑन योर सेल्फ, ठीक है। अब देखते हैं सर्कल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, एंड हम करते हैं रीडिंग एंड लेट्स सी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक दो कार्ड आ गए, चलो। एंड मैंने एक नाम लिया था इसे में, यू नो आई वाज जस्ट थिंकिंग, एंड बहुचरा माता का मैंने नाम लिया था। किन किन लोगों को बहुचरा माता का नाम पता है या फिर यू नो दे नो अबाउट हर, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमें और क्या कार्ड्स मिल चुके हैं, ठीक है, लेट्स सी। इंतहा, दैट इज़ द मेन थिंग, आई थिंक आप वही कह रहे हो कि इंतहा करा रहे हैं, कब ये आपको कहेंगे कि भाई हाँ ठीक है अब चलो आगे बढ़ते हैं, या फिर कब आपसे कम्युनिकेट करेंगे, कब बातें आगे बढ़ेगी। सोचना, जो मैंने कहा ये पर्सन सोच रहा है, दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग ऑन। एंड यहाँ पे जो कार्ड है वो है राहु में, मतलब कि जस्ट थिंकिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड वो चल रही है, एंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये उनकी मन की बातें हैं, पहले उनको अपने मन के भंवर से बाहर निकलने दो, देन जो है वह तुम्हारी चाहत आओगे ना, ये चीज़ डेफिनेटली आप दोनों के मन में चल रही है। ये कह रहे हैं कि आपकी चाहत उनको है जैसे कि आपको भी उनकी चाहत है, एंड सेकेंडली वो क्या कह रहे हैं कि आओगे ना, मतलब कि भाई आप इनसे कम्युनिकेट करोगे ना, मतलब अगर आपको लग रहा है इनसे कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्टली कम्युनिकेट कीजिए, आपको फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। एंड देखते हैं फाइनली लव मैसेजेस, यहाँ पे हमें क्या लव मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है। भी कुछ रिश्ते बहुत ही ऐसे ही होते हैं एंड हमें उनको अंडरस्टैंड करना होता है, दैट इज़ द मेन थिंग, ठीक है। देखते हैं एक और कार्ड अगर आ गया तो हम उसे ले लेंगे, वरना जो है उसी से रीडिंग करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं रीडिंग। जो कार्ड हमें मिले हैं उसका जो रीडिंग आता है वो है भाई फर्स्ट वन, आई लव यू बिकॉज यू हैव स्वीट निकनेम्स फॉर मी, यानी कि भाई आप इनको स्वीट निकनेम्स देते हैं या फिर आपको स्वीट निकनेम्स कहते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है, फिर आपको भी बहुत अच्छा लगता है। सेकेंड जो कार्ड है आई लव द म्यूजिक इन योर वॉइस,
आपकी आवाज में जो मधुरता है, ये ना उनको बहुत पसंद है। जिस तरह से आप इनको पुकारते हो, जिस पुकारो अपने मन में, आप उनको जिस नाम से पुकारते हो, बहुत अच्छा लगता है उनको। तर्जो कार्ड वाई, यू लेट मी क्राई ऑन योर शोल्डर व्हेन आई नीड इट, कि भी आप उनको समय देते हो। अगर उनको लग रहा है कि भी आई नीड टू पुट माई शोल्डर ऑन योर पुट माई हेड ऑन योर शोल्डर, यू कुड जस्ट लेट देम। मेरे हिसाब से कभी कभी उल्टा भी होता है, आप भी कहते हैं मुझे भी रोना है, सो थोड़ा समय दो मुझे। एंड फाइनल कार्ड वाई, यू आर द रीज़न आई एम अलाइव, कि आप एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हो इस पर्सन की ज़िंदगी में। ठीक है, अब ये जो मोमेंटम है, ये शायद अभी का है या फिर पास का था या फिर फ्यूचर में आ सकता है, सो गेट रेडी फॉर इट। ये था रीडिंग, आई होप इट वॉज नाइट, सी यू नेक्स्ट।